हेलो एवरीवन, अभी इंडियन बैंक एसो का पेपर हुआ है 23 अप्रैल को। ठीक है, इंडियन बैंक एसो मार्केटिंग का 23 अप्रैल को पेपर हुआ था और इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें से लगभग 7, 8 या 10 क्वेश्चन मेरे पास में आए हुए हैं, मेमोरी बेस्ड हैं। ठीक है, जिन लोगों ने पेपर दिया हुआ था उनसे ये क्वेश्चंस मुझे मिले, तो मुझे लगा कि ये डिटेल जो है आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए कि किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिससे कि हमको अपनी तैयारी और ज़्यादा बेहतर करने में मदद मिल सके। ठीक है, तो जो भी ये क्वेश्चंस आए हैं इसको मैंने नोट डाउन किया हुआ है और एक एक करके जानते हैं कि किस तरीके से क्या क्वेश्चंस आए हैं और उसी हिसाब से हम लोगों को अपनी तैयारी को मतलब आगे और बेहतर करते हुए चलना है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था DSIB से, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। ऑप्शन में था HDFC बैंक और कुछ और बैंकें और थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा HDFC बैंक हो जाएगा। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक क्या होती हैं बताया गया है, ये कई बार पढ़ाया गया और ये क्वेश्चन जो आया था एग्ज़ाम में ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया था। इन बैंकों को टू बिग टू फेल की कैटेगरी में रखते हैं, मतलब कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बड़ा होता है और ये इतने सही मतलब होते हैं कैपिटल के मार्केट में, मार्केट कंट्रोल के मार्केट में। ठीक है, कि ये जल्दी फेल नहीं हो सकते हैं और इनके फेल होने की कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, किसमें पैसे वगैरह लगा के मतलब इनको फेल नहीं होने देगी। और इस तरीके के बैंक जो इस कैटेगरी में आते हैं, DSIB की कैटेगरी में जो बैंक आते हैं, अगर वो बैंक फेल हो जाते हैं, उनमें कुछ इश्यूज़ आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर डालेगा। ठीक है ना, किसी भी देश का इकोनॉमिक सिस्टम भी ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए मतलब इन बैंकों को हर साल कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, तो अभी ये 3 बैंक हैं टोटली जो DSIB की कैटेगरी में आते हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये DSIB की कैटेगरी में आते हैं। HDFC और ICICI बैंक ये बकेट 1 में आते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये जो है ये बकेट 3 में आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, DSIB फ्रेमवर्क के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 22 जुलाई 2014 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। DSIB फ्रेमवर्क RBI के द्वारा टू बिग टू फेल के मतलब कैटेगरी में आते हैं। अगर ये बैंक फेल होते हैं तो किसी भी देश का फाइनेंशियल सिस्टम मतलब हिल जाएगा। ठीक है, और अभी डोमेस्टिकली सिस्टम DSII का भी मतलब इंश्योरेंस कंपनीज के लिए IRDAI के द्वारा डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स का भी मतलब अनाउंसमेंट किया गया है। तो इसमें से भी क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज को DSII में मतलब रखा गया है ये आप लोग रिकॉल करो, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया बनता है। DSIB वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, HDFC बैंक इसमें ऑप्शन में था, यही इसका आंसर हो गया होगा और ये पढ़ाया भी गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें बैंक रेट से संबंधित पूछा गया था, और ये मैं बात कर रहा हूँ इंडियन बैंक एसो की मार्केटिंग ऑफिसर वाली जो वैकेंसी आई हुई थी जिसका 23 अप्रैल को भी एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा गया था ये बैंक रेट से भी पूछा गया था। बैंक रेट वाला जो ऑप्शन हो जाएगा 6.75% हो जाएगा। अभी RBI की जो MPC मीटिंग हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी वाली जो मीटिंग हुई थी, उसमें पॉलिसी रेट्स में कोई चेंजेस नहीं किया गया था। तो पॉलिसी रेट्स भी किसी भी बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारा रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक है, MSF होता है, SDF होता है, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको भी हम लोगों को पढ़ के जाना होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बैंक रेट पूछा गया था, पॉलिसी रेट याद होना ज़रूरी है। अप्रैल वाली जो मीटिंग हुई थी उसमें पॉलिसी रेट में कोई चेंजेस नहीं किया गया था, टोटली अनचेंज था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन बैंक एसो मार्केटिंग में जो पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो पूछा गया था LEI में कितने डिजिट होते हैं। LEI यानी कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर में टोटल कितने डिजिट होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, और ये भी आप लोगों को पिछले वीडियोस में पढ़ाया गया है, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था कि जो पढ़ाया ना गया हो। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर में टोटल 20 डिजिट होते हैं, 20 डिजिट होते हैं और ये अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग से रिलेटेड जो और भी हमारे कोड होते हैं, IFSC कोड, MICR, ये सब जो कोड होते हैं इसकी भी नॉलेज रखना हम लोगों को ज़रूरी होता है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, LEI कोड पूछा गया था, 20 डिजिट का ये कोड होता है, ये भी पढ़ाया गया था, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है ये, और वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन्स के दौरान पार्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है LEI कोड का मतलब यूज़ किया जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से, सुनो आप लोग इस बात को, 1 अप्रैल 2021 से RBI ने LEI नंबर को मैंडेटरी कर दिया था, और ये बेसिकली नॉन इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। 50 करोड़ रुपए या इससे ऊपर के NEFT RTGS ट्रांजेक्शन्स के लिए इसका LEI कोड का जो है यूज़ होता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था, NDF ट्रेडिंग में यूज़ किया जाने वाला एक टर्म है, NDF में F का क्या मतलब होगा। ठीक है, एब्रिविएशन से भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन में बना रहा था तो इसमें RBI की मॉनिटरी पॉलिसी वाला, इसमें RBI ने प्रवाह नाम से एक वेब बेस्ड मतलब पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, तो प्रवाह में P का क्या मतलब होगा, R का क्या मतलब होगा, V का क्या मतलब होगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फुल फॉर्म वगैरह भी जो है इनका आप लोग ध्यान रखा करो। NDF में F का मतलब हो जाएगा ट्रेडिंग वाले कंसीडर में फॉरवर्ड, NDF का फुल फॉर्म होता है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड, तो F का मतलब फॉरवर्ड हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया, FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो रिलायंस ग्रुप के द्वारा गुजरात में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, डिवेंचर ट्रस्टी कौन अपॉइंट करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। शेयर डिवेंचर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है इस तरीके से, तो थोड़ा सा अगर हमको चीज़ें नहीं भी आती हैं तो आँख में उनके थोड़ा सा रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं, सेवी आंसर लगा सकते हैं। तो इसका भी आंसर सेवी होगा, डिवेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट जो है वो मतलब सेबी के द्वारा किया जाता है। और एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट से, BSBDA से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये नहीं आता जिससे भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, ठीक है, लेकिन बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा BSBDA अकाउंट के बारे में भी जान लेते हैं। मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है BSBDA अकाउंट में, नो फ्रिल जीरो बैलेंस अकाउंट होता है ये। ठीक है ना, किसी भी कस्टमर्स के द्वारा एक ही बैंक में नॉर्मल जो जनरल सेविंग अकाउंट होता है वो और BSBDA अकाउंट दोनों एक साथ नहीं ओपन किया जा सकता है। ठीक ना, कोई भी अकाउंट होल्डर किसी भी बैंक में रेगुलर सेविंग अकाउंट और BSBDA अकाउंट दोनों एक साथ नहीं रख सकता है। ठीक, तो BSBDA से भी था क्वेश्चंस वगैरह इस तरीके से, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट ये इन मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं इसको भी आप लोग पढ़ते हुए चलना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो आया था वो पेमेंट बैंक से आया था, ये बढ़िया क्वेश्चन था। पेमेंट बैंक से जो क्वेश्चन आया था वो मल्टीपल चॉइस टाइप में आया था, जैसे कि GBU में आया था, जैसे कि GBU में आया था उस तरीके से आया था। पेमेंट बैंक के बारे में 4 पॉइंट दे दिए गए थे, पूछा गया था कि इनमें से पेमेंट बैंक कौन सी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती है, इस तरीके से थोड़ा सा बनाया गया था, एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन ऐसे ही था। और उसमें पूछा गया था कि ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती, ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती, ये दोनों नहीं करती है, मतलब इस तरीके से 4 फैसिलिटीज़ दी गई थी। उसके बाद में बोला गया था कि ऑप्शंस जो दिए गए थे, ओनली ए फॉलोज, ओनली बी फॉलोज, नाइदर ए नाइदर बी, बोथ ए बी सी, इस तरीके से जैसे GBU में पूछा गया था, तो उस तरीके से पैटर्न जो है लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये मान के चलो कि GBU में भी मतलब चेंजेस होने के चांसेस हैं, GBU में भी इस बार हमको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन फ्रेमिंग में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन जो मेन बात है, अगर हम लोग सारा कुछ पढ़ के जाएंगे, डीप में सारी चीज़ों को पढ़े रहेंगे, तो क्वेश्चन में फिर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो भी चीज़ें वो लोग तैयार करेंगे, जो भी क्वेश्चन वो लोग बनाएंगे ना, पॉइंट्स तो वही रहेंगे, उसको या तो डिस्क्रिप्टिव में कर देंगे, या तो MCQ में कर देंगे, या थोड़ा सा लेंदी कर देंगे, या तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग कर देंगे, ऐसा कर देंगे कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे उसको पढ़ने लिखने में। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो आया था पेमेंट बैंक से आया था, और इसमें शायद पूछा गया था कि पेमेंट बैंक जो है कौन सी फैसिलिटी नहीं देती है, तो उसमें था लोन नहीं देती है। ठीक है ना, पेमेंट बैंक के द्वारा किसी भी प्रकार का लोन नहीं दिया जाता है, ये उसका आंसर होगा। पेमेंट बैंक के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पेमेंट बैंक जो है हमारा ATM और डेबिट कार्ड, यानी कि ATM या डेबिट कार्ड इशू करती है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट बैंक के द्वारा नहीं इशू किया जाता है। कोई भी एंटिटी, कोई भी कंपनी अगर पेमेंट बैंक का लाइसेंस लेना चाहती है या लाइसेंस लेती है, तो उसके लिए ये मैंडेटरी होता है कि वो अपने नाम के आगे पेमेंट बैंक जरूर लिखे, जैसे जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इस तरीके से होता है ना, जिससे कि नॉर्मल जो बैंक्स होती हैं उनमें और पेमेंट बैंक में डिफ्रेंशिएट किया जा सके, ये चीज़ हो जाएगी। सेविंग और करंट अकाउंट दोनों ओपन करता है ये पेमेंट बैंक, और बताया ना कि किसी भी प्रकार का लोन नहीं देता है। NRI से जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है ये, जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं उनसे डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करता। क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस करंट अकाउंट में एक्सेप्ट करता है। इंटरनेट बैंकिंग की और मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के 8 या 10 क्वेश्चन थे जो मुझे मिले हुए थे, टोटल 20 क्वेश्चन ही आते हैं, तो जितना याद था वो मुझे बताया गया, इंडियन बैंक SO मार्केटिंग वाला था ये। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए जिससे कि हम लोग थोड़ा सा अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकें। तो ये इसी तरीके से था, तैयारी आप लोग करते रहो, अगर और भी क्वेश्चंस अगर हमें मुझे मिलते हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ध्यान रखना कि जो GBU में जैसे लास्ट ईयर आया था उस पैटर्न को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस तो MCQ के फॉर्मेट में तो आता है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मोड में बना रहे हैं, और क्या चीज़ें होती हैं
इससे हटकर अब जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, अभी जो देखा गया है एग्जाम में, क्या चीज़ें नहीं होती हैं ये भी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इस पर भी हमें फोकस करना है, थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा और थोड़ा सा अप्रोच बदलनी पड़ेगी। उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन फ्रेमिंग भी कर रहा हूँ और वीडियोज़ में बीच बीच में मैं बता भी देता हूँ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का PDF वगैरह आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स वगैरह बना लेना। तो जो भी कंटेंट मेरे हिसाब मेरे पास में आता है, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसी हिसाब से मैं अपना कंटेंट और इम्प्रूव करता रहता हूँ। तो आप लोग तैयारी मतलब अपना अच्छे से करते रहो, अगर और भी क्वेश्चन वगैरह मिलते हैं तो फिर आप लोगों को वो अवेलेबल कराए जाएंगे। चलो, थैंक यू।